वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेशन एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा ऑसम आप लोगों के लिए। मैंने आज की क्लास कुछ स्पेशल तरह से बनाई है, आप लोग जब आगे क्लास देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट पूरा सॉल्व करेंगे। और इसी में से कुछ क्वेश्चंस की आपकी मेंटी होगी एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हो? हेलो अर्चना सिंह, हेलो छवि सिंह बेटा, हाय मान्या दुबे, हाय श्रुति, वेलकम गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे बता दो आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, उसके बाद फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इतना मुझे क्लियर कर दो, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताओ, आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस यस, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाय परनीति सिंह, हेलो एवरीवन बेटा, एपिलिप्शा, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आपको कुछ अलग सा लगने वाला है मेरे सेशन में, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो स्टार्ट करते हैं, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कल हम लोग सीखे थे इवनिंग की क्लास में, है ना। और आज के क्लास में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। तो इसके कुछ मिक्स क्वेश्चन आपको मेंटी में भी मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चंस आपको मेंटी में करवाएंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाओ। हाय अमरजीत सिंह, वेलकम भाई, वेलकम वेलकम टू माई क्लास। जितने बच्चे मेरे क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं अपना क्विक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम ज्योति जायसवाल, योर मैथ्स एजुकेटर। आई कंप्लीटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स, आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई बीएड विद द साइंस स्ट्रीम। I have 3 to 4 year teaching experience of online as well as offline. I taught many students of ICSE and CBSE board. और अगर बेटा YouTube का मेरा schedule आपको नहीं पता है तो याद कर लो, notice कर लो, कहीं पे note करके रख लो। Unacademy के class 7 पे मेरी daily classes होती है, morning में 10 AM पे और evening में होती है 5 PM पे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने doubt नहीं पूछे Unacademy पे तो फटाफट से अपने doubts को clear कर लो, जितने भी doubts आपके आते जाएं अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, आज का डाउट सेशन में जाओ, आपके जो भी डाउट्स है उसकी पिक्चर क्लिक करो, पिक्चर क्लिक करने के बाद आप उसमें से क्वेश्चन को क्रॉप करो, है ना। पूरा पिक्चर तो आप सेंड नहीं करोगे, जो क्वेश्चन आपका है उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लो, क्रॉप करने के बाद सब्जेक्ट का नाम बता दो और आपके सॉल्यूशंस रेडी हो जाते हैं कुछ ही मिनटों में वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू। पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा बेटा, किसी भी आप क्लास पे जाओगे उस क्लास के नीचे जस्ट लिखा रहता है पीडीएफ नोट के लिए, वो आप क्लिक करोगे तो अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मेंटी होगा क्या? हाँ भाई मेंटी तो होगा। आज का डाउट में आपको मैं बता दूं कि फ्री सब्सक्रिप्शन भी अब आपको मिल रहा है, तो अगर आप एक दिन में पूछ लेते हो 7 डाउट्स तो आपको मिलते हैं क्रिएटिव कॉर्नर का फ्री सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का, जहां पे आप सीख सकते हो मैजिक ट्रिक्स, गेमिंग ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन करना, रोबोट मेकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कुछ यहाँ से आप सीखते हो, ठीक है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से अनअकैडमी पे जितनी मर्जी चाहे उतने डाउट्स पूछो और अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, साथ ही साथ फ्री में सब्सक्रिप्शन भी लो। हाय एंजल बेटा, हेलो एवरीवन, हाय अखिलेश, क्लास कब तक चलेगा? जब तक आप लोगों को मेंटी में मजा आएगा तब तक क्लास चलेगा, ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी? और अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा एजुकेटर है जो अनअकैडमी पे टीच करना चाहता है, उसकी टीचिंग स्टाइल काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहां से कॉपी करो और उनको सेंड कर देना। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, देन उसके बाद अनअकैडमी की टीम उनसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। रेडी होगी नहीं? हाय कृतिका। तो ये रहा मेरा छोटा सा सरप्राइज, मैंने आज अपनी पीपीटी को कुछ अलग तरह से बनाया है, कुछ अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यस बेटा, देयर इज अ मेंटी। पहले बताओ मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, कितना मार्क्स देना चाहोगे? मेगा मेंटी आज नहीं, मेगा मेंटी जिस दिन ये हमारा चैप्टर जो है ना पहला इंटीजर पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं मेगा मेंटी करवाऊंगी इंटीजर्स की। तो फटाफट से बताओ आप मेरे प्रेजेंटेशन को अभी और आगे देखोगे तो और मजा आएगा, बाकी मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है, ठीक है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसने 1 मार्क्स काटे, काटो ओवर एक्टिंग की इसके, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पहले करेंगे, उसके 5 क्वेश्चंस, देन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 उसके 5 क्वेश्चन, देन उसके बाद मेंटी, ठीक है। तो रेडी हो सभी? रेडी, क्लास को स्टार्ट किया जाए।
ओके, आज आपकी इवनिंग में क्लास नहीं? नहीं बेटा, आज इवनिंग में क्लास नहीं, आज संडे है ना, एंजॉय करो, एक ही क्लास मेरी है आज, ठीक है? ओके चलो, तो कुछ बच्चों ने मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे दिया और कुछ बच्चों ने एक एक मार्क्स काटे हैं कुछ बच्चों ने 100 से 1000 दे दिए है ना। हाय अदिति तिवारी, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, लेट्स सेट गो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। एक चीज और, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, बट कोई चीटिंग मत करना, चीटिंग अलाउड नहीं है। हाँ आयशा बेटा, तो क्या है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। What was the temperature of the Srinagar on Tuesday and on Wednesday? It rose by 4 degrees Celsius. Then what was the temperature on this day? That is Wednesday. Okay. Hi Muskan. तो आप लोगों के आंसर अभी से आने शुरू हो गए हैं। Hi Arnima Gupta. Hello Chaya. Hi Aksham. आंसर आ गए सारे बच्चों के? चलो मैं भी करती हूँ, आप ICSE से हो मान्या दुबे, कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आरडी शर्मा के, तो आपकी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे, ठीक है। हाय नेहा, तो क्या करोगे आप, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो अगर हम मंडे की बात करते हैं तो मंडे को टेम्परेचर आपको दे रखा है भाई -5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताओ, माइनस में टेम्परेचर है तो क्या लगता है, माइनस में टेम्परेचर है तो ठंड लगेगी या फिर गर्मी लगेगी, बताओ बताओ, सोच के बताओ। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया तो मुर्गा बन जाओ ठंड लगेगी कि गर्मी लगेगी अगर माइनस है तो, देखते हैं आप लोगों को कितना नॉलेज है टेम्परेचर के बारे में। हाय तोशी, हाय अनन्या, कूल, ओके, कूलिंग लगेगी, ठंड लगेगी है ना, बिल्कुल करेक्ट भाई। 0 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे जाओगे भाई तो ये आइस होता है, 0 के नीचे ही तो आइस फॉर्मेशन होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल सी चीज है, नेगेटिव में जब आप जाओगे तो ठंड रहेगा। तो श्रीनगर की बात की जा रही है, श्रीनगर तो वैसे भी ठंडा जगह है ना, श्रीनगर में सभी लोग क्या करते हैं, समर वेकेशन पे जाते हैं इस तरह से। तो मंडे को वहां का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूजडे को और कम हो गया, ट्यूजडे को और कितना कम हो गया बेटा, तो पहले 5 डिग्री सेल्सियस था, ये और कम हो गया, बोला है ड्रॉप्ड मतलब और कम हो गया, कितना कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो क्या हो गया, मैंने आपको इंटीजर की प्रॉपर्टी सिखाई थी, आप लोग आइस बन जाओगे, नहीं आप लोग नहीं बनोगे, आप लोग नहीं बनोगे। थैंक यू सो मच संतोष शर्मा, थैंक यू सो मच। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने आपको एडिशन वगैरह सिखाया है, सब्ट्रैक्शन सिखाया है, तो हम 2 नेगेटिव इंटीजर को कर रहे हैं ऐड, तो साइन तो माइनस का लगेगा और 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो गया भाई, 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। हाय दिशा राठौड़, यस विटामिन टी होगा, ओके। उसके बाद वेडनेसडे का कोई बताएगा, वेडनेसडे का किसी ने बताया मुझे, वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या था? अच्छा आप लोगों ने बता दिया पहले ही, ओके ग्रेट, ओके बेटा। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जैसे कि ट्यूजडे को हो गया -7 डिग्री सेल्सियस, अब हम आते हैं वेडनेसडे पे, तो वेडनेसडे को बोल रहा है कि टेम्परेचर रोज हो गया बाय 4 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो प्लस करोगे आप 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस आया, आंसर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो 7 देखो बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है, 7 के आगे साइन लगा है नेगेटिव का, इसलिए आपका आंसर आएगा नेगेटिव, -3 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके वेरी गुड। माइनस होगा भाई, क्योंकि जब भी आपका ऐसा केस आए कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर को देखो, उसके आगे जो साइन होगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या सबने एक एक कॉपी किया है कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर समझ में आया सारे बच्चों को, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे बता दो, श्रीनगर की सारे डाउट्स क्लियर, कि श्रीनगर पे मंडे को क्या टेम्परेचर था, ट्यूजडे को क्या टेम्परेचर था और वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर रहा।
क्या बोल रहे हो? यस भाई, देयर इज अ मेंटी, देयर इज अ मेंटी. ओके, जिसका नहीं क्लियर हो, थैंक यू मुस्कान. जिसका नहीं क्लियर हो उसके लिए मैं एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. डोंट वरी, कोई भी इशू नहीं है बेटा. मैं एक बार फिर से बता दूंगी. मंडे को देखो, बोला गया है आपके क्वेश्चन में कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को. तो ये हो गया -5 डिग्री सेल्सियस. आपने यहां तक समझा? ये तो क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने लिखा. ट्यूजडे को टेम्परेचर ड्रॉप हो गया. कितना ड्रॉप हो गया? 2 डिग्री. तो मंडे को इतना था और वो और कम हो गया 2 डिग्री. तो आपका आंसर आ गया भाई 7 डिग्री सेल्सियस माइनस में ट्यूजडे का टेम्परेचर. अब हम बात करते हैं वेडनेसडे को क्या होगा. तो वेडनेसडे को जितना ट्यूजडे को था ना, ट्यूजडे से 4 डिग्री सेल्सियस अप हो गया. तो ट्यूजडे को था -7 डिग्री, उससे 4 डिग्री आप अप जाओगे तो आपका आंसर आ गया था -3 डिग्री सेल्सियस. यही आपका आंसर हो गया. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. हाय अदिति, हाय भूमिका. ओके, चलो. हाय संतोष शर्मा. तो चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. सुनाई दे गया क्या? मुझे नहीं लेना, जिसको और लेना होगा वो ले लेगा. बहुत ज्यादा सुनाई दे देता है आप लोगों को तो, है ना? क्या करूं मैं. हाय आनंद राज, हाय पवित्रा. अभी चली गई वो आवाज, अभी वो वॉइस गई. हाय सरा बेटा, रिमेम्बर सरा, पीछे से आवाज गई अब, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा. क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. एक प्लेन है, मैं प्लेन बनाने की कोशिश करती हूँ. कोई हंसेगा नहीं अगर गड़बड़ बनेगा तो. मुझे नहीं आ रहा, मेरे से बनेगी प्लेन में. मेरी ड्राइंग बिल्कुल खराब है, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, ठीक है. मैं बनाने की कोशिश करती हूँ तो फिश बन रही है. चलो, मैंने कुछ भी बना दिया, ऐसा समझ लो कि ये समथिंग 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 प्लेन है, ठीक है. मैंने कुछ भी बना दिया. ये प्लेन जो है ये सी लेवल के 5000 मीटर अबव पे है. कितने मीटर अबव पे है? 5000 मीटर अबव पे है, ठीक है. उसके बाद बोला है कि एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे ये है ना एलोप्लेन, जहां पे ये प्लेन है उसी के जस्ट नीचे पॉइंट पे, एग्जैक्टली नीचे एक सबमरीन है. एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. ये सी लेवल के ऊपर है 5000 और बिलो द सी लेवल के एक सबमरीन है, ठीक है. एक सबमरीन है जिसकी है डिस्टेंस है 1200 मीटर. ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, जो भी लग रहा है मान लो. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं. हाय दिव्या कुमारी. तो क्या हो गया? आपसे पूछा है कि यहां से लेकर के आपको टोटल यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है. कहां तक की डिस्टेंस आपको बतानी है? यहां से लेकर के टोटल यहां तक की आपको डिस्टेंस बतानी है. हेलो तबस्सुम, वेलकम. हाय अदिति पाटिल. कोई बात नहीं है बेटा, होने दो. तो ये है और यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ मुझे. टोटल डिस्टेंस पूछा गया है तो इतनी है 5000, इतनी है 1200. आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. अच्छा देखो, नीचे तो सबमरीन वाली फीलिंग आ रही है ना, नीचे वाली फीलिंग आ रही है सबमरीन की. ये यहां से फीलिंग आ रही है सबमरीन की ना, तो यहां से ही ले लो फीलिंग, ठीक है. आई एम गुड, आई एम गुड, गुड मॉर्निंग. तो 5000 देन प्लस 1200, ये आपका आंसर आ गया 6200 मीटर. ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. क्या वो मान्या नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, तब फिर आप मेरा ये वाला जो डायग्राम है इसी से आप फील करो कि एक प्लेन है जो सी लेवल के ऊपर 5000 पे फ्लाई कर रही है, उसी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे एक सबमरीन है जो 1200 मीटर पे है. आपको फाइंड आउट करनी है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस एक प्लेन और एक सबमरीन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. ये क्या हो जाएगी? 5000 प्लस 1200 दैट इज इक्वल टू 6200 मीटर. क्लियर?
क्या सभी लोगों को क्लियर हो गया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल? ओके, तो वर्टिकल मतलब होता है बेटा ये वाला, ऐसे डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को वर्टिकल। ओके, यस, थोड़ा सा लेट हो टीना, आप टॉप फाइव का नेम लिखू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से टॉप फाइव का नेम लिख दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन से टॉप फाइव के नाम लिख दूंगी। ठीक है, चलो। हेलो अपेक्षा, हाय अपेक्षा बेटा, चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट पे था, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पे था, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाद में लिखा है। यस भाई, बिल्कुल सीख के आयो आप लोग, आप लोग क्या सीख के आयो? मेंटी कब आएगी? सारे क्वेश्चन कर लेंगे फिर मेंटी आएगी, सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब मेंटी आएगी। हाय अक्षरा। ओके, तो क्या है? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो सारी जगह का अलग अलग टेम्परेचर लिखा हुआ है और ये नंबर लाइन है। मैंने आपको नंबर लाइन सिखाया था पढ़ना, नंबर लाइन मैंने आपको करना सिखाया था। हाय बलजीत कौर, हाय कृतिका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग। सिखाया था मैंने आपको सब कुछ। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक नंबर लाइन लिखी है और नंबर लाइन पे अलग अलग जगह का टेम्परेचर कैसे आप लोग इसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो पहला क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑन द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। किसको इग्नोर किया? हाय साहिल, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये है जीरो, ठीक है, ये है जीरो, जीरो के बाद यहां पे है माइनस फाइव। माइनस फाइव कैसे आया? वन टू थ्री फोर एंड फाइव, इस तरह से काउंट किया गया तो माइनस फाइव आया। अब आप इसी तरह से काउंट करके पता लगाओ कि श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है। आप लोगों ने आंसर किया श्रीनगर का टेम्परेचर? हाँ हाँ बिल्कुल, वो सब कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, मतलब इतने फास्ट है सब कि फटाफट से आंसर खुद ही दे देते हैं सारे क्वेश्चंस का। हाय अनमोल, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखो, वन एंड टू, श्रीनगर का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो गया? इट इज माइनस टू डिग्री सेल्सियस, इट इज माइनस टू डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। क्या पूछ रहे हो भाई, कहां लिखा हुआ है? ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। वेरी गुड, उसके बाद ये जो भी नाम लिखा है ये मेरे से पढ़ने में नहीं आ रहा है, बट इसका टेम्परेचर कैसे काउंट करोगे? ये है माइनस फाइव, ये आ गया माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, तो इसका क्या आ गया? इसका आ गया जो भी नाम लिखा है यहाँ पे, एल ए एच यू एल एस पी आर आई टी आई, इसका टेम्परेचर है माइनस में एट डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? ओके, शिमला का टेम्परेचर, ये तो एग्जैक्टली दिया है फाइव, तो इसमें तो हमें काउंट ही नहीं करना है, ये तो एग्जैक्टली फाइव डिग्री सेल्सियस है शिमला का। ओके, हाय बेटा, थिंक कैन लर्न, क्या नाम है आपका? अनमोल। उसके बाद ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर सब लोग बताओ, अलग अलग से बताओ, मैं एक एक टेम्परेचर पूछ रही हूं, आप लोग इकट्ठा आंसर नहीं दे रहे हो। हाय, ओके, लावण्या आपका नाम है, हेलो लावण्या। हाय हिमानी, हाय हिमानी बेटा, वेरी गुड। तो यहां का टेम्परेचर आप कैसे निकालोगे? ये है 10, ये होगा 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का जो टेम्परेचर है ये है भाई माइनस में नहीं है, ये पॉजिटिव में है, प्लस 14 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? तो ये हो गया प्लस 14 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? कितना हो गया? प्लस 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। प्राप्ति, बिल्कुल याद कर रहे हैं भाई, कहां थे आप अभी तक? बेंगलुरु का टेम्परेचर बताओ और ये क्वेश्चन हम लोग एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। बेंगलुरु का टेम्परेचर, बेंगलुरु के टेम्परेचर जो बताएगा उसका मैं नाम लिखने वाली हूं यहां पे, जल्दी जल्दी बताओ। हाय अदिति तिवारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 22, ओके, सबसे पहले आंसर किसका आया? तो सबसे पहले किया है अर्चना ने,
अर्चना के बाद आया है अभिलेख, किसका आया है? अभिलेप्षा, अभिलेप्षा ने किया है। अभिलेप्षा के बाद इसका आंसर शिवांगी सोनी, शिवांगी सोनी के बाद युंगांशी, ओके, देन उसके बाद श्रुति। ये हो गए टॉप फाइव के नाम, ठीक है, ये हो गए टॉप फाइव के नाम जिन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर किए हैं, ओके। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये था 20, इसके बाद होगा 21, देन 22। नंबर लाइन पढ़ना समझ में आया, नंबर लाइन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसका आंसर आ गया 22 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन है, उसका एक अलग पार्ट है जो आपको यहां पे देखना है। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा था? यहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा आया था 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट कौन सा है? तो यहां का टेम्परेचर आपका आया था -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? हाय श्रीजन बेटा, थैंक यू सो मच। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर पाते हो। हाय हाय सिंगल, हेलो श्रीजन, ओके। तो आंसर आ गया सभी का, कुछ के आंसर 23 भी आए हैं, कुछ के आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। नो, आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, हॉटेस्ट है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिफरेंस निकालना है मींस सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, किसके किसके बीच का डिफरेंस, तो 8 डिग्री सेल्सियस के, तो -8 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी ये है 22, तो ये है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या सिखाया था कल, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर आया 30 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस कैसे आया? जिसको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, मैं उसके लिए एक और चीज करके समझाती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पे एक नंबर लाइन ऊपर है, ये था 0, ये था 1, ये था 2, 3, 4 एंड 5, और यहां पे हो गया -1, -2, -3। अब आपसे पूछा जाए कि यहां से लेकर के यहां तक में कितने पॉइंट्स हैं, यहां से लेकर के यहां तक में कितने पॉइंट्स हैं, जरा मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 2 माइनस नहीं है, मैं अभी समझाती हूं। यहां से लेकर के यहां तक में कितने पॉइंट्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? हाय टीना, चलो बताओ। हेलो आशी, कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स, वेरी गुड। तो यहां से अगर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पॉइंट्स आ रहे हैं टोटल। तो जब आपका 8 पॉइंट्स यहां से आ रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच के डिफरेंस में इसको सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हो। डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे ही आपको यहां पे भी करना है, बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -8 डिग्री सेल्सियस को। तो किसी का क्वेश्चन था कि 8 डिग्री सेल्सियस, यहां पे तो एक ही नेगेटिव है, बट आपने दो दो नेगेटिव साइन कैसे लगा दिया, दो नेगेटिव साइन कैसे आया ये समझो। ये था 22 डिग्री सेल्सियस आपका, ये कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस था, ओके, और ये था -8 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड आउट करना था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है भाई, माइनस साइन लगाओगे ना, एक ये तो एक अलग हो गया, ये तो एक अलग हो गया, बीच में हमने नेगेटिव साइन लगाया, तभी तो आप डिफरेंस फाइंड आउट कर पाओगे। हाँ बेटा, हाय महिमा सिंह, डेली हमारी क्लास मॉर्निंग में होगी, डेली मॉर्निंग में होगी हमारी क्लास, ओके। तो 22 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज इक्वल टू द 30 डिग्री सेल्सियस। क्या अभी समझ में आया? अभी कुछ भी डाउट्स हैं तो अभी पूछ लो, ओके। हेलो लक्ष, यस यस, आई थी मैम। अगर कुछ भी डाउट्स हैं अभी तो अभी क्लियर कर लो, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉप फाइव, अभिलेप्षा मेंटी में आना, फिर आपको टॉप फाइव नहीं टॉप 10 का नाम मिलेगा हर क्वेश्चन पे, ओके। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो,
और इसके आंसर करो. थैंक यू सो मच. कल क्लास कितने बजे लगेगी? कल क्लास 10 AM पे लगेगी, देन उसके बाद 5 PM पे लगेगी, जो सेम टाइमिंग है डेली की. ओके चलो इसका आंसर क्या होगा. देखो, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट. तो पहले आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. यही होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यही डायरेक्शन होता है ना. ओके आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये ईस्ट था तो रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट. हमने यहां से ले लिया, मान लो इसका ये घर है और यहां से इसने स्टार्ट किया, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट. सभी लोगों को डायग्राम बनाना है, ठीक है? प्रॉपर डायग्राम बना करके आप करोगे को सॉल्व. हाँ आशी, मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया, कैसा लगा ये न्यू वाला, कैसा लगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से आप जाओगे 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट. ओके ईस्ट साइड पे जा रहे हैं तो आप ईस्ट पे आओगे. फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ये था पॉइंट ए और जहां पे अभी आ गई ये है पॉइंट बी. फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट. वेस्ट किधर है? ये इधर साइड है. तो अब किधर आना पड़ेगा? अब यहां से आना पड़ेगा इसको फिर से इधर 30 किलोमीटर. तो ये आ गई 30 किलोमीटर फिर से इधर. अब जो पॉइंट पे आई है वो है पॉइंट सी. आई थिंक मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ पॉइंट सी. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए? हाय प्रीनू, हाय पंकज, हाय दिव्या कुमारी. ओके आपका नाम दिव्या कुमारी है. ओके 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 ठीक है. तो देखो सेम रोड पे आना है, मेरी लाइन अलग हो गई थी, बाकी आपको लाइन जो है ना वो सेम रखनी है. ये सेम ही रोड पे होते हुए आएगा, ठीक है? सेम रोड पे होते हुए आई और ये हो गई टोटल डिस्टेंस. यहां नीचे वाली 30 किलोमीटर, ऊपर वाली जो डिस्टेंस थी वो थी 20. आपको फाइंड करनी है ए और सी के बीच की डिस्टेंस. कैसे फाइंड आउट करोगे? ये पूरा जो है ये है 30, 30 में से आप ये वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट इज द 20 किलोमीटर. तो 30 में से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट किया और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर. माइनस में या प्लस में? मैं देखना चाह रही हूं कितने बच्चों के आंसर्स नेगेटिव में आए थे और कितने के आंसर्स पॉजिटिव में आए थे. हेलो त्रिनेत्री, हाय योगेश. समझ नहीं आया? मैं फिर से समझा दूंगी अभी. चलो मैं फिर से बता देती हूँ. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको. बोला है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. रीता क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है टूवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज 20 किलोमीटर. देन पॉइंट बी से फिर वो मूव करती है 30 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. तो पॉइंट बी से वो आएगी वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज दिस. मेरी लाइन एग्जैक्ट सीधी नहीं बन रही है बट आपको इसी के ऊपर ही ड्रॉ करते हुए लाना है, ठीक है? इसी के ऊपर ही ड्रॉ करते हुए लाओगे और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस. अब जो भी ये पॉइंट आया आप इसको सपोज कर लो सी और आपको फाइंड आउट करनी है ए और सी के बीच की डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी. 10 किलोमीटर, इट इज 10 किलोमीटर. क्यों? ये 20 है, ये 30 है, आपको फाइंड आउट करना था ये वाली डिस्टेंस. कैसे पता चलेगा? टोटल में से आप इस 20 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा. तो 30 टोटल थी, 30 में से आपने 20 को सब्ट्रैक्ट किया और आपका आंसर आ गया 10 किलोमीटर. मेंटी कब होगी? मेंटी अभी एक्सरसाइज 1.2 के भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो, देन उसके बाद जस्ट मेंटी पे आएंगे. ओके वेरी गुड अथर्व शुक्ला, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके चलो इसका पीडीएफ नहीं बेटा, डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव में ही आएगी. यहां पे डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव में. डायरेक्शन पूछेगा कि ए से ये किस डायरेक्शन में है, इसको अभी आंसर करो, इसका भी आंसर करो. डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया 10 किलोमीटर. अगर ए से सी का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एग्जाम कैंसिल हो गए हैं?
हाँ तो एग्जाम तो कैंसिल हो ही जाएंगे, कोविड बढ़ रहा है ना। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। क्या हो जाएगा? वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में ये होगा। ओके ये सारे क्वेश्चंस याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्शन पे बेस्ड। ओके तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी 1.2। तो एनसीईआरटी 1.1 में जितने लेंथी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे रखे आपको करवाएं, और जितने छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना वो मेंटी में आपको मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मेंटी में और लॉन्ग वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ। ओके कौन है भाई प्रो सब्सक्राइबर? चलो ओ माई गॉड सरा 98.9%। मेंटी होगा भाई, मेंटी तो होगा ही, लास्ट में अभी होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हूज सम इज -7। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर आपको लिखना है जिनका समेशन करो तो -7 आए। अगर आप लोगों के आंसर बुक वाले आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप बुक से चीटिंग करके दे रहे हो, खुद से भी आंसर दो, इसके बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में आपको आंसर दिया है इसका वही नंबर पॉसिबल होगा, बहुत सारे नंबर इसके पॉसिबल हैं। तो बताओ राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हूज सम इज -7। जल्दी से आंसर करो, ये बुक वाले आंसर कुछ कुछ के आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के बुक वाले आंसर आ रहे हैं, मैं समझ जाऊंगी उनके आंसर फिर। वेरी गुड, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, सभी लोगों ने करेक्ट दिए इनफैक्ट। ठीक है, कुछ लोगों ने बुक वाले भी दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है जो सम है ना वो -7 आना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं जो सम -7 आए? आप दो नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लोगे, उनका सम भी करोगे तो भी ये -7 आएगा। एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, इनका सम करोगे, सॉरी ये वाला माइनस होना चाहिए है ना, और ये वाला प्लस होना चाहिए। तो आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का भी सम करोगे तो भी -7 आएगा। बट ध्यान देना, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव का करना तो यहाँ पे आंसर आपका -7 आया है, इसलिए जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके आगे माइनस का साइन लगाना। और क्या आंसर किया है आप लोगों ने? 10 और 3। ओके -10 और +3 ये भी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन गाइज, वेल डन। तो आप लोगों के इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। -7 लाना था, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स को ऐड करना था, तो आपका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी। डिफरेंस इज -10। अब आपको दो पेयर ऑफ इंटीजर ऐसा फाइंड आउट करना है जिनका डिफरेंस -10 होगा। हाय हिमानी, चलो -10 आना चाहिए डिफरेंस। कुछ बच्चों ने दिया है -60 और -50। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। और क्या है? -11 और +1। ओके डन, करेक्ट है। हाय प्रभा, हाय संचना, यस रिमेम्बर्ड। ओके -6 और -4 कह रहे हो, तब तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है, -10 चाहिए। अगर यहां पे आप माइनस कर दोगे तो ये लास्ट पे -- होके प्लस हो जाएगा, तो एक आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, दैट इज ये वाला 4। -6 + 4 और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, ओके -30 + 20 बिल्कुल करेक्ट, तो बहुत सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट, इस लास्ट वाले का आंसर बताओ। यस भाई रिमेंबर्ड हो, सारे लोग रिमेंबर्ड, -19 + 9 बिल्कुल करेक्ट है। चलो लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लास्ट वाले में तो कुछ भी कर लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सारे आंसर करेक्ट हो जाने हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी आप कर लोगे आपका आंसर यहां से ये करेक्ट आ जाएगा, और सभी के आंसर्स क्या आएंगे? 0। ओके कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। वेरी गुड एलिजा, -1 और +1 होगा बेटा, -1 और +1। ठीक है, +13 और -13। ओके चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0।
टीम ए ने क्या स्कोर किया बेटा? टीम ए ने एक बार -40 10 और 0 स्कोर किया। टीम बी ने स्कोर किया 10 0 एंड -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड्स। तो आपसे पूछा गया विच टीम स्कोर मोर एंड कैन यू से दैट वी कैन एड एनी इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। बताओ बताओ इसके आंसर। ओके बानिया दुबे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर नो होगा? कैन यू से दैट वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? अभी मैं बताऊंगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को ये अप्लाई कर रहा है। चलो उसका आंसर तो आप लोगों ने दे दिया, इक्वल होगा। इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया, इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, इक्वल स्कोर आ रहा है। दैट मीन्स क्या आप ये कह सकते हो वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कह सकते हो या नहीं? जल्दी से बताओ। यस है ना, तो इसका आंसर होगा यस, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। जैसे कि आप -40 +10 एंड +0 कर लो, या फिर +10 +0 एंड -40 कर लो, दोनों से आंसर आपका -30 ही आना है। तो इसका मतलब हुआ आप इंटीजर्स को किस भी ऑर्डर में ऐड करो, पहले -40 रखो, फिर 10 रखो, फिर 0 रखो, चाहे तो पहले आप 10 रखो, 0 रखो, फिर -40 रखो। एडिशन आप कैसे भी करो, इररेस्पेक्टिव ऑर्डर में भी करो, तो भी आपका आंसर सेम आता है। यही क्या होती है एसोसिएटिव एंड कमुटेटिव प्रॉपर्टी, भी तो यही कहती है इंटीजर की। आप कैसे भी ऑर्डर में ऐड करोगे हमेशा रिजल्ट सेम आएगा, तभी तो एडिशन में एसोसिएटिव एंड कमुटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। होती है या नहीं होती है? यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको एक ऐसा पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंस 8 हो। बस ये लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद सीधे मेंटी पे आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सीधे हम लोग मेंटी पे आ रहे हैं। ओके या एक क्वेश्चन और करना चाहोगे? जैसा बोलो आप लोग। राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। +8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए उन दोनों का डिफरेंस। ध्यान से करना। नो नो नो, आप लोगों ने ऐसा आंसर दिया है जो डिफरेंस -8 आ रहा है। डिफरेंस +8 आना चाहिए और वो नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए दोनों। दोनों कैसे होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। दैट इज एक आप ले लो -2 और एक आप ले लो -10, इन दोनों का आप कर लो डिफरेंस। तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 एंड ये माइनस माइनस होके हो गया +10। तो -2 एंड +10 कितना हो जाएगा? +8। अंडरस्टूड? क्या बात समझ में आई? बाकी और भी आप लोग कुछ बताओ तो मैं बताती हूं उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा कि नहीं। दोनों नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। आपने बोला है 15 और -7 ना, तो 15 और -7 बेटा एक पॉजिटिव आपने बोल दिया, तो पॉजिटिव नहीं लेना है, दोनों नेगेटिव। आप ऐसे कर सकते हो -7 माइनस ऑफ -15, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा। ओके यस, एक क्वेश्चन और करोगे या डायरेक्ट मेंटी पे आए? जल्दी से बताओ क्या चाहते हो। किसको इग्नोर किया? लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। वोट करो मेंटी अभी या बाद में, मेंटी अभी चाहिए या बाद में, जल्दी से वोटिंग करो। ए को या बी को? वन मोर। कुछ लोगों के कमेंट से मेंटी 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 और कुछ के कमेंट से वन मोर, तो वन मोर हम लोग करेंगे मेंटी के बाद में, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, menti.com ओपन करके रखो, तब तक मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताती हूँ, देन उसके बाद कोड देंगे और आप सीधे मेंटी पे आ जाना। लेट्स गो। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो फटाफट से गूगल के प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करो, वहां से जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अगर आप पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो याद रखना किसी भी क्लास को आप डायरेक्ट नहीं देख पाओगे, आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है जिससे आप इस क्लास को अनलॉक कर पाओ, तो जेजे लाइव कोड अप्लाई करना, आपकी सारी क्लासेस फ्री में अनलॉक हो जाएगी। अगर आप एक लेवल अप करके प्रिपरेशन करना चाहते हो
तो आपको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट जाननी चाहिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, और साथ ही साथ मिलता है स्ट्रक्चर कोर्सेस पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यूज करो कोड SPDigiLife एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक की क्या बेनिफिट होगी? आइकॉनिक में आपको मिलते हैं जितनी प्लस में बेनिफिट होती है वो सारी बेनिफिट आपको आइकॉनिक में भी मिलेगी। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या होते हैं? पर्सनल मेंटर होते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी SPDigiLife कोड का यूज करना है और आपको मिल जाएगा 10% तक का डिस्काउंट यहाँ से, ठीक है। हाय संगीता, प्राइसिंग देख लो, प्लस सब्सक्रिप्शन की ये रही प्राइस। जब आपने कोई भी कोड नहीं अप्लाई किया तब क्या प्राइस है? जैसे ही आप कोड को अप्लाई कर देते हो आपको मिल जाता है 10% तक का डिस्काउंट। तो कोड अप्लाई करो और जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है कोड जरूर से यूज करना SPDigiLife का, तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट यहां से। ओके, नेक्स्ट आइकॉनिक की आप देख लो प्राइसिंग, ये रहा आइकॉनिक की प्राइस। जब आपने कोई कोड नहीं अप्लाई किया तब क्या प्राइस थी? जैसे ही आपने मेरा कोड अप्लाई किया जो कि है SPDigiLife, तो आपको मिल जाता है 10% तक का डिस्काउंट। और फ्री में क्या क्या मिलती है? फ्री लाइव क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री में SPDigiLife के आस्क अ डाउट सेशन, और जितने मर्जी चाहे आप उतने डाउट्स पूछ सकते हो। आपको डाउट पूछने पे भी फ्री सब्सक्रिप्शंस भी मिलते हैं। आई एम गुड भाई अदिति राज, आई एम गुड। तो चलो मेंटी के लिए रेडी, मेंटी के लिए रेडी। menti.com पे आप सभी लोग जा ही चुके होंगे। menti.com, देखो आज मेंटी काफी अच्छी मैंने बनाई है। आज मेंटी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ओके, तो मैं भी तो ओपन कर दूं, रुक जाओ मैं भी मेंटी को ओपन कर दूं, तब तो कोड देंगे। मुझे भी तो ओपन करने दो मेंटी, जस्ट वेट। आज मैंने अपने मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया है क्योंकि वाईफाई नहीं आ रहा था, है ना, वाईफाई आज प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो मैंने आज मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया है। थोड़ा सा टाइम लगा ये ओपन होने में। ओके, ओपन हो गया जल्दी से ये तो। चलो तो मेंटी का कोड मैं आपको बताती हूं, ये रहा मेंटी का कोड, लेट्स सेट एंड गो। मेंटी का कोड है 8370 6783, 8370 6783 इज द मेंटी कोड। फटाफट से कोड को अप्लाई करो। किसको इग्नोर कर दिया? आयुष कुमार। हाय आयुष कुमार, वेलकम इन माय क्लास, वेलकम वेलकम। किसी को इग्नोर नहीं किया, ऐसे कैसे कहते हो इग्नोर इग्नोर? सारे बच्चों का कमेंट कैसे रीड कर सकते हैं, है ना? कुछ बच्चों का तो मिस हो ही जाता है कभी ना कभी। आपसे ना जो भी इग्नोर बोलेगा मैं उस सारे बच्चों की ड्यूटी लगा दूंगी कि सारे बच्चों के कमेंट्स आप पढ़ो और एक भी कमेंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई इग्नोर मत बोलना, नहीं तो सारे बच्चों की ड्यूटी लग जाएगी फिर। ओके, तो फटाफट से मेंटी को ज्वाइन करो। कैसे करना है? गूगल क्रोम पे जाओ या फिर कोई भी आपके पास अदर ब्राउजर वहां पे जाओ, www.menti.com टाइप करोगे, मेंटी का जो मैं कोड बता रही हूँ उस कोड को अप्लाई करो और आप मेंटी को ज्वाइन कर लोगे। मेंटी कोड इज 8370 6783। फटाफट से ज्वाइन करो सारे बच्चों। नहीं भाई अदिति राज, माफ करो माफ करो माफ करो। यस रंजना, आप थोड़ा सा लेट हो बट कोई नहीं, आप आ जाओ ज्वाइन कर लो मेंटी। ओके, आ चुके हो सभी, सभी आ चुके हो, जल्दी जल्दी आ जाओ, ज्वाइन करो ज्वाइन करो, जल्दी से मेंटी को ज्वाइन करो। और यार जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। मैंने आपका इतना अच्छा, हाय ऋषिता, हाय नेहा, ओके, जितने लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे एक बार कमेंट करके बता दो यस मैम ज्वाइंट। वेट, ओके मिस्टर अब्दुल्ला जल्दी से आओ, अदिति तिवारी जल्दी जल्दी आओ फटाफट से आ जाओ। पूरा पूरा लेट हो कोई बात नहीं, आ जाओ मेंटी पे आ जाओ, जल्दी से आओ। और अगर ज्वाइन कर लेना तो मुझे बता दो यस मैम ज्वाइन है तो। ओके पेंगुइन, वेट फॉर अदिति, वेट करते रहे भाई अदिति का। और अगर आप करना चाहते हो तो कर दो, मैंने इसमें मना नहीं कर रखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी मेंटी। जितने बच्चों को ज्वाइन करना था आई होप उन्होंने ज्वाइन कर लिया है।
Let's set go and start the mentee. All the best, guys. Sabhi ko all the best. 1, 2, 3 and go. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा. जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, सारे मार्क्स इसके दिए हुए हैं. व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? टोटल क्या होगा उसका मार्क्स? हाय ऋषिकेश गर्ल, कर लिया बेट भाई, उसने ज्वाइन भी कर लिया. आदिति ने ज्वाइन भी कर लिया. नो, अभी जस्ट मैंने आपको हाय बोला, किसी को इग्नोर नहीं किया. आंसर क्या आ रहे हैं आप लोगों के? चलो आंसर बताओ. 3, 2, 1 एंड द टाइम्स अप हो चुका है. देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आया है. वेल डन गाइस. तो कैसे आप सॉल्व करोगे? 25 में से पहले 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 बचा. 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 बचा. फिर 10 में 15 को ऐड करो, 25 में 10 को ऐड करो, 35. सिंपल सा था, मैं बताती हूं करके देखो. 25 माइनस 5 माइनस 10 प्लस आई थिंक 15 है एंड प्लस 10 है. तो प्लस 10 माइनस 10 यहीं से आप कैंसिल कर दो, सिंपल सा. ठीक है, 25 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 20 प्लस 15 कर लोगे, ये आ जाएगा 35 और यही आपका आंसर करेक्ट था. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 35. आते हैं लीडर बोर्ड पे कि लीडर बोर्ड की क्या पोजीशन रही. अविनाश है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे देवेश, थर्ड पे उत्कर्ष, फोर्थ पे साहिबा, फिफ्थ पे अनन्या, सिक्स पे हर्षराज, सेवन पे श्रेयांश टॉपर, एट्थ पे आर्या, नाइन्थ पे हर्षित एंड टेंथ पे है अमित कुमार. वेल डन गाइज, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? लेट्स सेट गो टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. लेट्स सेट गो. उसने भी 3 वाला टिक किया है. ठीक है सीमा मौर्य, यूज द साइन ग्रेटर लेसर और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू. आपको साइन का यूज करना है जिससे कि आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएं. जल्दी जल्दी करो. -3 प्लस 7 -19 एक साइड में है, दूसरे साइड में कुछ और है. आप इसको सॉल्व करो, मैंने प्रॉपर टाइम दे रखा है. सॉल्व करके बताओ कि कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा लेसर होगा. ठीक है, यस रचना रिमेंबर्ड. आपका नाम कुछ और था, आपने बताया था, वो वाला नाम तो नहीं याद है बट ऐसे रिमेंबर्ड. ओके, तो इसका आंसर होगा लेसर. ये वाला जो होगा ना इधर साइड वाला, ये ग्रेटर होगा. कैसे? ये -3, -3 में से आपने 7 को प्लस किया, +4 आया, +4 में से 19 सब्ट्रैक्ट हुआ, -15 ये नेगेटिव में आ रहा है. ठीक है, इधर क्या है? -8 है, -9 है. तो -8 और -9 -17 और +15 दैट इज अ -2. तो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही तो ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर हो जाएगा ये वाला नंबर. ठीक है, तो आते हैं लीडर बोर्ड पे, देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या पोजीशन रही. हर सिंगल आ चुके हैं टॉप 10 में, ग्रेट. सबसे फास्ट दिया होगा आपने, है ना? ओके, तो इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर किया है विभोर ने फर्स्ट पोजीशन पे. सेकंड पे फर्स्ट पे अविनाश, सेकंड पे विभोर, थर्ड पे हर्षित, फोर्थ पे योगित, फिफ्थ पे मुस्कान. न्यू स्टूडेंट्स वेलकम मुस्कान. फिर उसके बाद सेवंथ पे, फिफ्थ में मुस्कान है, सिक्स पे उत्कर्ष, सेवंथ पे अनुज, एट्थ पे आ चुके हैं हर सिंगल, नाइन्थ पे प्रिंस एंड टेंथ पे अदिति राज. ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th प्लेस पे हो. कोई बात नहीं श्रेया यादव, कोई बात नहीं बेटा. मेंटी का कोड है 8370683, जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है. अगर ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी. आपको यहां पे ए और बी की वैल्यू गिवन है. ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 28 एंड बी इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी. ओके मैम, चेक कर लेती हूं.
ओके, तो आपका आंसर आ गया 39, बिल्कुल करेक्ट। ए की वैल्यू है 28, माइनस ऑफ माइनस बी है, दैट इज बी की वैल्यू है 11, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 28 में आप 39 को ऐड कर लोगे तो आपका 28 में 11 को ऐड करोगे तो आपका आंसर 39 आ जाएगा। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ओके, ठीक है मैम, तो बेटा याद से सुन लो सभी लोग अच्छे से, 3 PM पे गुरलीन मैम की क्लास होगी, ठीक है, टाइमिंग क्या है, 3 PM, आज 3 PM पे गुरलीन मैम की क्लास होगी, याद से सभी लोग ज्वाइन करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो पढ़ाने वाली हैं, ठीक है, क्या पढ़ाने वाली है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ही अच्छे से वो क्लास लेती है, बहुत ही अच्छी आपको पढ़ाएंगी, तो 3 PM पे सभी लोग उनकी क्लास को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 3 PM पे आप लोग उनकी क्लास को जरूर से ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, ओके, भूलना मत ज्वाइन करना, और जितने लोग मेरे साइड से जाओगे तो @ या फिर फ्रॉम ज्योति मैम लिख के आना, ज्योति मैम लिख के आना आप लोग सभी लोग वहां पे, ठीक है, पता चलेगा फिर। ओके, रेडी, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हो गया 39, ए की वैल्यू थी 28, बी की वैल्यू 11, यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आपका आंसर आ जाएगा 28 प्लस 11 विच इज अ 39। आते हम लोग लीडर बोर्ड पे, क्या पूछ रहे हो अंशिका, बेटा 8th क्लास नहीं मिली किसी भी टीचर को, जो जिस क्लास में पढ़ा रहा है वो उसी क्लास में पढ़ाएगा, उसको नई क्लास नहीं दी गई है, ठीक है, तो फर्स्ट पे आ चुके हैं विभोर, भाई फर्स्ट पे विभोर है, सेकंड पे अविनाश, थर्ड पे उत्कर्ष, फोर्थ पे मुस्कान, फिफ्थ पे हर्षित, सिक्स पे अनुज, सेवन पे हर सिंगल, एट पे प्रिंस, नाइन्थ पे ये कौन है, विभूति, अच्छा, एंड टेंथ पे है रुद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरलीन मैम की क्लास में मेंटी होगा, ये तो मैम अभी अगर वीडियो देख रही होंगी तो बता देंगी, वैसे मेंटी होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, लेट्स सेट एंड गो। गुरलीन मैम अगर आप क्लास देख रहे हो तो बता दो क्या मेंटी होगा आपकी क्लास में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी, क्या रहे आंसर, ऐसा तो नहीं है, थैंक यू सो मच आयुष कुमार, ऐसा तो नहीं है आपने बीच में जीरो देख लिया तो और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो लिखा है इसका मतलब जीरो ही होगा, ऐसा तो नहीं सोच के आंसर किया। हाय नित्याना, आप बड़े दिनों के बाद आए हो क्लास में, यस, ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, करेक्ट, 39 है प्लस 24 है माइनस 15 है, तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, माइनस 15 माइनस 24 ऐड करोगे माइनस 39 आएगा, ये प्लस 39 है और इसको सॉल्व करने पे माइनस 39 आ रहा है, तो प्लस और माइनस कैंसिल, आपका आंसर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ओके, मेंटी में नेम नहीं आ रहा है टीना, आप बेटा टॉप 10th के अगर बाहर पे हो, मतलब कि आपकी कुछ और पोजीशन है, तो नाम यहाँ पे नहीं शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे टॉप 10 का नाम शो करता है। ओह माय गॉड, आयुष कुमार, उत्कर्ष है फर्स्ट पे, सेकंड पे मुस्कान, थर्ड पे हर सिंगल आ चुके हैं, फोर्थ पे अनुज, फिफ्थ पे प्रिंस, सिक्स पे रुद्र पटेल, सेवन्थ पे देवेश, एट्थ पे दानिया, कॉन्ग्रेचुलेशन दानिया, नाइन्थ पे आर्यन, एंड 10th पे गीतिका, बहुत सारे बच्चों की पोजीशन चेंज हुई है और टॉप 10 में नए नए बच्चे आ चुके हो, रिथानिया, रिथानिया, अर्निमा गुप्ता कहां पे हो आप, हाँ हाँ ठीक है रिथानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, आपका नाम कृतिका है, भाई भूल जाती हूं, आप अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर लेते, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है ना कि नाम चेंज कर सकते हो आप, तो नाम चेंज कर लो, जैसे कि जो नाम लिखा हुआ आएगा वही मैं नाम लूंगी, है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है बेटा। व्हाट इज द मेंटी कोड, 8370 6783, 8370 6783 इज द मेंटी कोड, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से फिल करो, इसमें मैंने टाइम भी काफी कम दिया था क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, तो इक्वल साइन आपको दिख रहा है यहां पे, इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड में क्या क्या नंबर है, 13 है, माइनस 12 है, राइट हैंड में क्या क्या नंबर है, 13 है,
-12 -7 है, ठीक है। तो क्या चीज नहीं है लेफ्ट हैंड में, वो है -7। उसी को आप कर दोगे -7 लेफ्ट हैंड में भी, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, जल्दी से लोग बताओ किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ये। सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करने की इसमें जरूरत भी नहीं थी बेटा, यहां पे क्या ही सॉल्व करोगे, तीनों चीज जो इधर है वही उधर भी होना चाहिए, आपका बस 7 मिसिंग दिख रहा था, तो -7 आपका आंसर हो जाएगा। किसने टाइम पे वोट नहीं किया, एसोसिएटिव, वेरी गुड। 3 नंबर है, 3 नंबर का जब आप एक्सचेंज करते हो, ब्रैकेट को चेंज करते हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, अभी इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आते हैं लीडर बोर्ड पे, और अभी इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी। चलो, तो फर्स्ट पे उत्कर्ष, सेकंड पे मुस्कान, थर्ड पे हर्ष, फोर्थ पे अनुज, फिफ्थ पे देवेश, सिक्स पे प्रिंस, सेवेंथ पे विभूति, एट्थ पे अदिति राज, नाइन्थ पे संस्कार एंड टेंथ पे शुभम। आगे आप मचाएगा, देखते हैं शुभम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, अथर्व शुक्ला 22 प्रेत। कोई बात नहीं बेटा अथर्व, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, गेम चेंजर दूं। ओके, तो सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, आप देखो अगर गेम चेंजर आपके लिए हो पाता है तो। -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस -5 बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी, ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी आंसर करो, बड़ा मजा आ रहा है आज की क्लास में। और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, 100 लाइक तो आज पहुंचा दो, 100 लाइक का टारगेट मैं दे रही हूं, जल्दी मैं टारगेट नहीं देती हूँ, 100 लाइक का टारगेट है, फटाफट से 100 लाइक कंप्लीट करो। अभी इसके पहले वाले मैंने बताया 3 चीज आपको दिखे, ब्रैकेट चेंज हो रहा हो तो आप एसोसिएटिव लगाओगे, यहां पे 3 नंबर नहीं दिखे, यहां पे सिर्फ 2 नंबर का एक्सचेंज हुआ है। और मैंने बार बार आपको ये चीज क्लास में बताई है, जब भी 2 नंबर का एक्सचेंज होता है, 2 नंबर का इंटरचेंज होता है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, आप हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। जब 3 नंबर का एक्सचेंज होगा, ब्रैकेट चेंज होगा, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ठीक है। तो ये होगा भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अगर हल्का सा ना भी बेटा समझ लो, अगर थोड़ा सा भी वीडियो क्या होने लगता है, आज मैं अपने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट की हूं इसको, अगर थोड़ा सा भी रुकने लगे बीच में या लैग होने लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करना, मैं वाईफाई से कनेक्ट करूंगी, और अगर वाईफाई नहीं चल रहा होगा तो फिर क्लास को हम लोग एंड कर देंगे, है ना। उत्कर्ष है फर्स्ट पे, सेकंड पे हर्ष है, थर्ड पे प्रिंस, फोर्थ पे देवेश, फिफ्थ पे विभूति, सिक्स पे योगेश, सेवन पे अंशिका, एट पे मुस्कान, नाइन्थ पे हर्षित एंड टेंथ पे है सौर्या। ग्रेट, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नहीं तो नेटवर्क चला जाएगा, मोबाइल का भी डेटा समझ लो फिनिश होने वाला है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हूज सम इज -5, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करो। अनिमा गुप्ता, कोई बात नहीं भाई, क्या करूं, इतने फास्ट पीछे जा रहे हो भाई, यहां पे इतना फास्ट सब आंसर कर रहे हैं ना, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा, तभी आगे आ पाओगे, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा -7 एंड 2, इसको आप अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा -5। वेल डन, तो लीडर बोर्ड चेक करते हैं कि क्या रही लीडर बोर्ड की पोजीशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर किसने किया, हर्ष सिंगल ने। ओके, बाकी लीडर बोर्ड की पोजीशन में चेंजेस नहीं हुआ है, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है बस, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लेट्स सेट एंड गो टू द क्वेश्चन नंबर 8, आपका सही है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0, एंड कौन सी प्रॉपर्टी लगी है ये भी आप लोग बताना यहां पे।
मिसक्लिक हो गया, अगर मिसक्लिक हो गया तो लीडर बोर्ड आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए करेक्ट करेक्ट आंसर करो। हाय संगीका, प्रॉपर्टी कौन सी है ये भी बता लिया, वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की, क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाए, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है और आपका आंसर होगा -17। 17 में आप ऐड करोगे -17 को तो आ जाएगा ये जीरो, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। लीडर बोर्ड चेक करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बेटा, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी वो होती है कि आप किसी पे जीरो को ऐड करो और वो नंबर वही आए, ठीक है, जीरो ऐड होना चाहिए तब एडिटिव आइडेंटिटी लगती है। और आंसर के इक्वल में जीरो मिल रहा है, दैट मींस एडिटिव इनवर्स लगेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। तो देवेश लॉय ने इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर किया और ये आ चुके हैं सेकेंड पोजिशन पे, काफी ज्यादा पोजिशन का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हो अदिति राज, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। अर्णिमा गुप्ता क्या हो गया भाई आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी, यहाँ पे इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल लगेगा, ठीक है, ये गलती से माइनस लगा है, यहाँ पे इक्वल होगा। क्या लगता है कि आपके लिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट पहचाना, बिल्कुल करेक्ट पहचाना, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल करके कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वेरी गुड। तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तीन चीज दिख रही है, ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं और इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आप लोग सब समझ जाते हो ना, कब सब्जी वाला आया है, कब कौन आया है, इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, पढ़ाई में लगाओ सिर्फ। क्या नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं अदिति, आपको तो सर्टिफिकेट भी मिल चुका है अदिति राज, फर्स्ट पोजीशन पे उत्कर्ष, सेकंड पे देवेश, थर्ड पे प्रिंस, फोर्थ पे विभूति, फिफ्थ पे योगेश, सिक्स पे हर्ष, सेवन्थ पे हर्षित, एट पे अमित, नाइन्थ पे श्रेया एंड टेंथ पे अनुज। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो भी कर पाओ आज कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 पे रेडी हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, लेट्स सेट एंड गो। ओके संचना, कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 + 2 - क्या करोगे कि आपका -8 आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या 13 से आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हाय देव, वेलकम देव, वेलकम इन माय क्लास, वेलकम। मेंटी कोड मिस्टर अब्दुल्ला, बेटा आप तो लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या करोगे कोड लेके, बस होने वाली है कंप्लीट मेंटी। तो टाइम अप हो चुका है, मेजोरिटी में करेक्ट आंसर आना चाहिए, इट इज अ 7 + 7, क्यों, क्योंकि माइनस तो यहां पे लगा ही है ना, तो आंसर आपका प्लस पे होगा, बात समझ में आ रही है। देखो 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 देखो, -3 था, +2 था, माइनस लगा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अगर हम -7 करेंगे तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा और पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 7 रखना है, तभी क्या हो जाएगा, ये -3 - 7 इट इज अ -10 एंड +2 विच इज द -8, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में ये मिस्टेक मत करना, दैट्स इट। यहाँ पे गलतियां होंगी, आपके नंबर चेंज होंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका ये पता रहेगा हमेशा से, आप करेक्ट करोगे इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि फाइनली लीडर बोर्ड की पोजीशन में क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, तो काफी बच्चों की गलत हुए हैं ये क्वेश्चन और लीडर बोर्ड काफी ज्यादा चेंज। ओके, तो उत्कर्ष आ चुके हैं आज की मेंटी के विनर, कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष फॉर अटेनिंग द फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पे देवेश, थर्ड पे विभूति, फोर्थ पे अनुज एंड फिफ्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, फिफ्थ पे प्रिंस, ओके फिफ्थ पे प्रिंस है, सिक्स पे
फिफ्थ पे प्रिंस, सिक्स्थ पे मुस्कान, सेवन्थ पे साहिबा फातिमा, एट्थ पे योगेश, नाइन्थ पे हर सिंगल एंड टेंथ पे हर्षित। तो ये हैं आज के टॉप 10। मेंटी आपके साथ चीट कर रही है, ऐसा कैसे भाई? उत्कर्ष का फुल नेम उत्कर्ष रामेश्वर यादव, ले लिया मैंने फुल नेम। तो उत्कर्ष आ चुके हैं फर्स्ट पोजिशन पे, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी लोग उत्कर्ष को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष फॉर अटेनिंग द फर्स्ट पोजिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा उत्कर्ष फॉर अटेनिंग द फर्स्ट पोजिशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टॉप 10। इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टॉप 10, है ना, इतने सारे बच्चों में टॉप 10 पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। देवेश है सेकेंड पे, कॉन्ग्रेचुलेशन देवेश फॉर अटेनिंग द सेकेंड पोजिशन। क्या बोल रहे अदिति, क्यों हंसी आ रही है आपको, क्या हो गया ऐसा? लाफिंग गैस कहीं है क्या आपके आसपास, आसपास कहीं लाफिंग गैस है? सेकेंड पोजिशन पे है देवेश, थर्ड पोजिशन पे कौन है, हु इज ऑन द थर्ड पोजिशन? विभूति, थर्ड पोजिशन पे विभूति है, कॉन्ग्रेचुलेशन विभूति फॉर अटेनिंग द थर्ड पोजिशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड फिफ्थ पोजिशन पे कौन था, फिफ्थ पे प्रिंस विभूति, थर्ड पे, फोर्थ पे अनुज एंड फिफ्थ पे प्रिंस। ओके, फोर्थ पे अनुज, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज फॉर अटेनिंग द फोर्थ पोजिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज फॉर अटेनिंग द फोर्थ पोजिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ओके समृद्धि सिंह, एंड फिफ्थ पोजिशन पे है प्रिंस, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस फॉर अटेनिंग द फिफ्थ पोजिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो कैसे लगा आज का, मजा आया कि नहीं? हाँ, सीख की आवाज थी आपको भी स्पेनिश, और एक लाइक बचा है भाई, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक बचा है, 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट से आप लाइक करो, फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जितने बच्चों का नाम लीडर बोर्ड पे था या नहीं आया, आप अपने अपने नाम बताओ, मैं आपके नाम यहाँ पे लिखूंगी जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अभिलेपशा, जितने बच्चों का लीडर बोर्ड पे था और वहां पे नहीं दिख रहा था वो आप यहाँ पे बता दो। ठीक है, अभिलेपशा, अमित, तोशी, जितने लोगों ने मेंटी में पार्ट किया था, है ना, लावान्या, महिमा, खनक, अंशिका, और अंशिका है, और कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, तनिष्का, तनिष्का, देन देन बताते जाओ अपना नाम फटाफट से, साहिल, साहिल, हर्षित, और इज एनीवन लेफ्ट, सरा, यस सरा बेटा, लोकाक्षी, दानिया, अर्निमा, मान्या, और समृद्धि, यस समृद्धि, समृद्धि, दिव्या, दिव्या, और नील, इज एनीवन लेफ्ट, स्वीटी, और कोई, छाया, देन सार्थक, आदित्य, और कोई भाई, योगेश लिखा है मैंने कहीं, अथर्व, ओके अथर्व, सेंचुरी क्रॉस्ड, ग्रेट यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, अमान, पलक, रियाशा, इस आकाश, ओके, और अनन्या, यस, इज एनीवन लेफ्ट, पलक, यस भाई,
ग्रेट टीना, टीना बताओगे ना अपना नाम, तभी तो बेटा लिखूंगी टीना। आई होप सारे बच्चों का नाम मैंने लिख दिया, ओमकार। अगर कोई का भी नाम मिस है ना भाई, तो कल वाली क्लास में आप लिखवा लेना मेरे से। मीनाक्षी, मीनाक्षी, रोहित, क्या है, मीमांसा। ओके मीनाक्षी मैंने लिख दिया, मीमांसा आपका नाम है, मीमांसा, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुहाना, और कोई, दक्ष, देन अब बस करो कृष्णा, कितना मैं नाम लिखूं यहां पे, कितना लिखूं, अदिति राज, ओके अदिति राज, ये लो भाई अदिति राज, ठीक है आपका मैंने पूरा लिख दिया अदिति राज, हैप्पी। चलो ठीक है, तो फिर आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। सारा क्या हो गया, आई गॉट 90th, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स हैपन, होता रहता है ये। देव, देव का नाम तो लिख जाएगा, ये लो देव, ठीक है। राधिका, अपर्णा कहां रहते हो अभी तक, राधिका अपना नाम ढूंढ लेना, है ना मैंने लिख दिया है, अपर्णा ढूंढते रहना। योगिता, योगिता, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन हम लोग यही पे एंड करते हैं। अब आज मेरी कोई क्लास नहीं है, संडे को बंद है, ऑफ मैंने रखा है, संडे को आज कोई क्लास नहीं है। कल मिलेंगे मॉर्निंग में 10 AM की क्लास में, ठीक है। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 10 AM पे, देन इवनिंग में रहेगा 5 PM पे। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, और मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय एवरीवन, ठीक है। नहीं नहीं आप मत लिखो, मैंने लिख दिया है। ओके बाय, एंजॉय योर डे।